आज का हमारा टॉपिक है आफ्टर सेल सर्विसेज और फ्री रिपेयर और मेंटेनेंस बाय द वेंडर। कभी कभी जो है हायर परचेजिंग जब की जाती है तो वहाँ पर ये कंडीशन होती है कि जो सेलर है वो एक निश्चित टाइम पीरियड तक फ्री में उस प्रोडक्ट की या उस एसेट की सर्विस भी करा के देगा परचेजर को। तो ऐसे में अब जो सेलर है वो अपने कुछ अमाउंट को जो सेल उसने किया है सेल खाते में से रिपेयर रिजर्व अकाउंट या मेंटेनेंस रिजर्व अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट में जो है क्रेडिट कर देता है, और जब भी कोई रिपेयर करनी पड़ती है तो वो इस खाते को डेबिट कर लेता है। इसको हम आफ्टर सेल सर्विसेज या फ्री रिपेयर या मेंटेनेंस बाय द वेंडर कहते हैं। ये कई बार आपसे दो नंबर में पूछा जाएगा, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट क्या है या रिपेयर रिजर्व अकाउंट क्या है। तो आप ये कह सकते हैं कि कई बार हायर परचेजिंग जब की जाती है या हायर परचेज से रिलेटेड जब भी एग्रीमेंट किया जाता है तो वहाँ पर ये कंडीशन रखी जाती है कि जो भी एसेट खरीद रहा है परचेजर, हायर परचेजर, उसको जो सेलर है, वेंडर है, कुछ टाइम पीरियड तक फ्री में उस एसेट पे जो है रिपेयर करा के देगा। अब ऐसे में जो ये सेलर होता है वो अपने सेल अकाउंट में से कुछ जो है अमाउंट रिपेयर रिजर्व अकाउंट या मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में डाल देता है, क्रेडिट कर देता है, और जब भी कोई रिपेयर कराई जाती है तो इस खाते को डेबिट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 1 जनवरी 1994 को सुभाष ने एक टेलीविज़न जिसका कि कैश प्राइस 20,000 था, हायर परचेज सिस्टम के दौरान या को यूज़ करके जो है वो सेल किया है, और उसने ये भी कहा है कि अगले 2 वर्षों तक अगर टेलीविज़न में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो फ्री में उसकी रिपेयर करा के देगा। पहले साल में उसको लगा कि 300 तक जो है रिपेयर का खर्चा आ सकता है, और सेकंड ईयर में जो है 720 हो सकता है, और जबकि जब एक्चुअल में खर्चा जो है पहले साल में हुआ 380 का और सेकंड ईयर में हुआ 600 का। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्री और रिपेयर मेंटेनेंस अकाउंट जो है वो बना के दिखाना है। तो सबसे पहले तो सेल की एंट्री ही होगी, तो वेंडर अपने यहाँ पर एंट्री करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल 20,000, और फिर जो उसने अंदाज़ा लगाया था कि पहले साल में 300 और सेकंड में 720 जो है हो सकता है रिपेयर पे खर्चा, उसको जो है हम हायर सेल अकाउंट से किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिपेयर रिजर्व अकाउंट में। देखिए ये मोटी सी बात है, अगर मान लीजिए आप सेलर होते और आप 20,000 की कोई चीज़ सेल करते और फिर आपको लगता है कि 1,000 मुझे रिपेयर में खर्च करना पड़ेगा, तो आपकी नेट सेल कितनी होती, 20-1। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी सेल में से ही रिपेयर रिजर्व अकाउंट में 1,020 उसने ट्रांसफ़र किया है। फिर फर्स्ट ईयर में जब रिपेयर करानी पड़ी तो रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब उसने ये खर्चा कहाँ से लिया, जो उसने रिपेयर रिजर्व अकाउंट में डाला हुआ था 380। अब यहाँ पर उसने तो फर्स्ट ईयर के लिए जो है 300 था, बट खर्चा जो है 380 हो गया, तो ये जो 80 प्लस है तो इसको जो है हम कहाँ से चार्ज करेंगे, P&L अकाउंट से। हमने तो जो हायर सेल थी हमारी उसमें से तो पहले साल के लिए 300 निकाला था बट हो गया 380, तो यहाँ पर बचे हुए 80 को हम जो है P&L अकाउंट से चार्ज कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में 600 की पेमेंट उसको करनी पड़ी रिपेयर रिजर्व अकाउंट टू बैंक, जबकि जो हमारा रिपेयर रिजर्व अकाउंट था हमने ये माना था कि वहाँ पर 720 खर्चा हो जाएगा, जबकि हुआ 600, तो जो उसका 120 बचा है उसको हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करके जो है बंद कर देंगे। यहाँ पर रिपेयर रिजर्व अकाउंट आप इस तरीके से बना सकते हैं, बाय में आएगा हायर सेल अकाउंट 20, और फर्स्ट ईयर में ही हमें P&L से चार्ज करना पड़ा था रिपेयर रिजर्व के लिए 80 1100, और पेमेंट हमने किया 380 का, बैलेंस बचा 720, उसको ब्रोक डाउन किया, पेमेंट किया 600 का और 2 P&L में 120, और इस तरीके से जो ये रिपेयर रिजर्व अकाउंट जो है हम मेंटेन करते हैं।